वेलकम टू आदर सिटी ऑनलाइन क्लास विच इज प्रेफर बाय देयर ऑनर मिस्टर राजवीर सिंह जी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट पर मिलियन। टॉपिक है हमारा पार्ट पर मिलियन एंड रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। दिस इज अ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन टर्म। ये दो टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करके वी विल मूव ऑन सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। तो पार्ट पर मिलियन की डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशंस। क्या होंगे सॉल्यूट जो प्रेजेंट होगा 1 मिलियन पार्ट बाय मास सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। दैट मीन कहने का मीन्स है कि अगर हम कोई सॉल्यूट लेते हैं, सपोज करिए सल्फर डाइऑक्साइड को ले लिया, तो सल्फर डाइऑक्साइड का हम मास लेंगे, जो उसका यूनिट मास होगा उसको हम क्या करेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पार्ट ऑफ द मिलियन। दैट मीन 1 मिलियन यानी 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 से हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हैंस वी गेट पार्ट पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट, यूनिक सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन दैट केसेस, जो प्रेजेंट होगा वहां पे वो हमें पार्ट पर मिलियन में मिल जाएगा। आप नीचे लिखिए द पॉल्यूशन ऑफ एटमोस्फेयर इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन पीपीएम। अब हम क्या कहते हैं, एटमोस्फेयरिक कंडीशन की जो इम्प्योरिटी होती है, प्रेजेंट होती है एयर में, उसको भी हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बट केस क्या होता है कि पार्ट बाय मासेस, वॉल्यूम रादर देन मासेस। इसका मींस है कि हम क्या करते हैं, उसी पार्ट को लेते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड की उसी क्वांटिटी को हम लेंगे और उसके साथ में 1 मिलियन पार्ट ऑफ बाय मासेस हम उसके साथ में क्या करेंगे, लगा देंगे। सपोज के लिए यहां पे 20 है तो 20 × 10^6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एयर, और ऐसे अगर मासेस में हम जाएंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं, 100 cm³, 200 cm, ऐसे करके हम लिखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मलिटी और एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट मास में प्रेजेंट होता है सॉल्यूट, तो हम उसे ही बोलते हैं, जैसे मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो हम क्या निकाल लेते हैं, मोलरिटी निकाल लेते हैं, नॉर्मलिटी निकाल लेते हैं। तो नॉर्मलिटी, अगर हम नॉर्मलिटी को N1 माने, दो फेजेस मान ले नॉर्मलिटी के, कि फेजेस कितने हैं, नॉर्मलिटी के दो फेजेस हैं, एक N1 फेज है और एक N2 फेज है। और तो इसी तरीके से N1 फेज में हमें जो वॉल्यूम मिलेगा V1 मिलेगा, N2 फेज में जो वॉल्यूम मिलेगा V2। तो क्या होगा, इसका मल्टीपल इसके मल्टीपल के इक्वल होगा। दैट मीन कहने का मीन्स है कि N1 मल्टीप्लाइड बाई V1 इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाइड बाई V2। अब यहां से किसी एक की अगर हमें नॉर्मलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला को मूव कर देंगे तो हमें मिलेगा, अगर N1 निकालनी है, फर्स्ट नॉर्मलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला मिलेगा N1 इज इक्वल टू N2 V2 अपॉन V1। अगेन अगर सेकेंड की हमें निकालनी है नॉर्मलिटी दूसरे की, तो हम उसके लिए फॉर्मूला जो फाइंड करेंगे फ्रॉम बेस ऑफ द फॉर्मूला N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, तो गेट दैट N2 इज इक्वल टू N1 अपॉन V2, N1 V1 अपॉन V2। अगर इसी केस में हम मान लें कि सॉल्यूट जो हमारा प्रेजेंट है V1 और V2 सॉल्यूशंस में, अगर उसकी मोलरिटी M1 और M2 हो, M1 और M2, तो सेम दिस प्रोसीजर, यहां N1 हट के M1 हो जाएगा, यहां N2 हट करके M2 हो जाएगा। इसका रेशियो इसका मल्टीपल इसके मल्टीपल के इक्वल होगा। दैट मीन कि इसका जो मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे और इसका जो मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलरिटी से, इधर भी वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलरिटी से, दोनों की क्वांटिटी क्या होगी, बोथ दीज आर इक्वल। अब उसमें से सपोज करिए हमें M1 नहीं दिया है, फर्स्ट मोलरिटी नहीं दी है, तो हम उसे क्या करेंगे, M1 निकाल लेंगे, तो M1 इज इक्वल टू सेकेंड मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। कहने का मीन से जो फर्स्ट वॉल्यूम हमें दिया रहेगा उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वी कैन गेट फर्स्ट मोलरिटी है। अगर सेकेंड मोलरिटी हमें निकालनी है M2,
तो सेम एज इट इज जैसे नॉर्मलिटी में किया था सेम फॉर्मूला हो गया एम वन वी वन अपॉन वी टू, वी कैन गेट यूनिक मोलरिटी बाय द फॉर्मूला. नाउ लेट्स मूव ऑन न्यू क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल. ये क्वेश्चन देखते हैं. न्यूमेरिकल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास. बाय मास इथाइलिन ग्लाइकॉल इसके साथ में मिला हुआ है कितना 20%. अब 20% अगर मिला हुआ है दैट मीन कि 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन होगा. अब 20% ये मिला हुआ है दैट मीन कि 20 उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. किसमें? सॉल्वेंट में. तो जो सॉल्वेंट की मात्रा आएगी वो सिर्फ कितनी रह जाएगी, 80. तो एक एक साइड हम सॉल्वेंट लेंगे, एक साइड सॉल्यूट लेंगे. तो जिसकी क्वांटिटी कम होती है सॉल्यूट उसको मानते हैं और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा. नाउ लेट्स हियर स्टार्ट. गिवन डेटा में इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला है हमें. फॉर्मूला ये होता है C2H6O2 इज इक्वल टू 20%. 20% दैट मीन 20/100. तो इट मीन्स 20 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन. 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन. मास ऑफ द सोल्यूट, मास कितना? अब 120% ये प्रेजेंट है तो दिस इज द मास ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल. इथाइलिन ग्लाइकोल का 20 ग्राम मास हो गया. मोलर मास निकालेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का तो निकाल के देखिएगा 62 ग्राम मोल इनवर्स आएगा. यूनिट है मोलर मास की. अब मास ऑफ द सॉल्वेंट निकालेंगे जो बोल रहे हैं कि 100 ग्राम में प्रेजेंट होता है तो दिस इज द सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी आ गई, 80 ग्राम मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट. अब वाटर का मोलर मास निकालेंगे तो 18 ग्राम मोल लीटर इनवर्स आता है. अब वाटर का मोलर मास इतना आ गया. अब हमें क्या निकालना है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी जितनी मिली होती है उसके ही मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं. तो यहां पे इथाइलिन ग्लाइकोल है 20 ग्राम प्रेजेंट है और इसका मोलर मास कितना है 62. डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.322. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे तो वाटर का कितना आ रहा है, 20 माइनस कर दिया तो 80 ग्राम ऑफ वाटर बचा. तो 80 डिवाइडेड बाई देयर मोलर मास यूजुअल 18 तो वी विल गेट 4.44 या 4.45 भी इसे कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये यहां पे टर्मिनेट होगा बार बार. मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल का निकालेंगे दैट मीन कि एक तरीके से किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का. तो सॉल्यूट का निकालेंगे, फॉर्मूला वही है N1 upon N1 plus N2. तो MC2H6O2 ये फॉर्मूला है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, कुछ भी बदला नहीं है. फॉर्मूला वही है N1 divided by N1 plus N2. तो रख दिया हमने N1, हमें ये मिला 0.322 डिवाइडेड बाई N1 plus N2. यानी N1 में इथाइलिन ग्लाइकॉल है और N2 में हमें सॉल्वेंट में वाटर मिला हुआ है. तो दोनों का सम करेंगे और सम करके इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट यूजुअल वैल्यू ऑफ 0.068. देन अब हमें अगर निकालना है वाटर का, तो वाटर का हम निकालने के लिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी हमें सॉल्यूट की मिल गई. तो सॉल्वेंट की 100 ग्राम में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे इसको तो मिल जाएगा. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल्स 1 minus 0.068. जो आंसर मिलेगा वही इसका मोल फ्रैक्शन होगा एज इट इज. तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग मोल फ्रैक्शन. नाउ लेट अस ट्राई इन योर इंडेक्स बुक विच इज प्रेफर्ड बाय NCERT. तो उसके पीछे आप जाओगे तो उसमें एक्सरसाइज में कई ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे. तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन इन एग्जाम कम्स आउट. नाउ यू कैन सॉल्व इजिली. नाउ टुडे वी विल एंड ऑफ द क्लास. कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग, स्टिल रीडिंग. दैट्स ऑल.